हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी। वैसे तो आप सभी पनीर की सब्ज़ी अपने अपने तरीके से बनाते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी अपना तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। खाने में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, उसमें हम दही ऐड करेंगे। दही यहाँ पर आप नॉर्मल ले सकते हैं। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट और एक चम्मच चिली टमाटो सॉस, ज़ीरा पाउडर, और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें क्यूब्स में कटे हुए पनीर ऐड कर देंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए इस तरह से छोड़ देंगे। तब तक हम एक पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे, उसमें हम ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा हमारा क्रैकर होने लगा है। अब हम उसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन कलर होने तक भून लेना है। ये देखिए प्याज हमारे गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को हमने बारीक पीसेस में कट कर लिया है और इसे भी हम इस तरह से भून लेंगे। इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। मैरिनेशन में हमने मसाले ऐड किए हुए हैं, जिसमें हम ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करेंगे। ये देखिए इसमें से ऑयल रिलीज होने लगा है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ पनीर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। पनीर को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखने में काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने जिस बाउल में पनीर मैरिनेट किया था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दिया है। आप जितनी ग्रेवी चाहते हो उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड करें। मैं अभी डिनर के लिए बना रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे ढक के 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए पनीर की सब्ज़ी हमारी रेडी और इसकी ग्रेवी काफ़ी अच्छी लग रही है और देखने में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है। ये देखिए, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो करें, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आते हैं। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।